मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते पर, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, पर्सनल लॉ बोर्ड का कैसा गजब का तर्क। देखिए, शाह बानो का जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था 1985 में, उसके खिलाफ पर्सनल बोर्ड ने मूवमेंट चलाया और एक नया कानून भी वजूद में आया, लेकिन उस कानून के इंटरप्रिटेशन को जाहिर है हर जुडिशरी करती है, सुप्रीम कोर्ट करता है। उस वक्त से ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो लोग चाहेंगे अंडर CRPC 125 125 धारा 125 के अंतर्गत रिलीफ, तो उनको रिलीफ दिया जाएगा। इसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी एग्जम्प्टेड नहीं है, मुस्तसरा नहीं है, अलग नहीं है। और जुडिशरी का आमतौर पे ये रवैया रहा है या ऐसी मान्यता रही है हर जुडिशरी में कि जो धार्मिक कोडिफिकेशंस हैं या महिलाओं के अधिकार के लिए धार्मिक गारंटी हैं वो पर्याप्त नहीं है, ऐसी मान्यता अदालतों की रही है। वो सिर्फ इस्लाम के ताल्लुक से नहीं, और धर्मों के ताल्लुक से भी। तो वो जो मानसिकता है जुडिशरी की, वो भी इसमें काम करती है। जहाँ तक बात इस तरह के रिसेंट हालिया फैसलों का सवाल है, इसमें हमें यही कहना है कि जो हमारी बहनें तलाक हो जाने या किसी वजह से खला या अलग हो जाने को इस्लामी शरीयत, इस्लामी कानून के तहत फैसला चाहती हैं, वो दारुल कज़ा के ज़रिए उस फैसले पर पहुँचें, ये उनके लिए बेहतर है। और जो बहनें हमारी समझती हैं कि मुल्क की अदलिया से उन्हें इंसाफ मिल सकता है या 125 CRPC के तहत उन्हें भरण पोषण की या जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सकती हैं, वहाँ से आदेश लेकर वो वहाँ जा सकती हैं, जा रही हैं, लेकिन उसमें एक मसला ये है कि अलग होने के बाद भी वो रिश्ता ख़त्म नहीं होता और दूसरी शादी महिला नहीं कर सकती, क्योंकि सबका शौहर से एक भरण पोषण यानी मेंटेनेंस लेने के कारण वो कनेक्टिविटी, वो ताल्लुक बना रहता है। तो इसको मैं कहूँगा ये गैर फितरी अमल है, इट्स अननेचुरल अप्रोच। इसीलिए पर्सनल बोर्ड कहता है कि भाई कानून शरीयत में बहुत वाज़ अंदाज में औरतों की इज्जत नामूस को सामने रखते हुए ये लेट डाउन किया है कि जो औरत साहब का शौहर से अलग हो रही है, उसकी मर्जी है या शौहर की हालात का तकाजा है, उसके जो कमिटमेंट शौहर के हैं या मालमता के जो तकाजे हैं वो पूरा करे, शौहर पूरा मेहर दे, मता और उसकी जो शरई तकाजे हैं वो सब अदा करे। अगर इसमें मुतमईन है महिला के ख़ानदान के लोग कि इस्लाम का ये तरीका, ये शरीयत का तरीका ठीक है, तो उनके लिए इस्लामी शरीयत है, फैसले का मरकज़ सेंटर दारुल कज़ा है, मुफ्तियान है, वहाँ जाके फैसला कराएं। और जो लोग मुतमईन इससे नहीं हैं वो लोग मुल्की जुडिशरी के ज़रिए अपना मसला हल करना चाहते हैं, तो उनको आज़ादी है,